राजमहुआ में हमारा आज यो दम लगेला। अच्छा पिताजी के नाम स्वर्गीय दक्षिणा जी कहला। अच्छा पिताजी के नाम स्वर्गीय दशराज, बड़े भैया जी को नाम नूनू अल्हा सरदार हुआ, हमारे नाम लोग उदयचंद कह के पुकार करते हैं। अब तो मैं अपने पता बतला दिए, ये बताओ कि आप कहाँ के रहने वाली है वो मैं जानने के लिए चाहता हूँ। हे बाबू, मैं राजमरंगी रहने वाली हूँ। मेरी नाम मालिन दाद के मैं मालिन हूँ बाबू, और मैं इसी फूल से मैं तोड़ कर मैं लाती हूँ, और उस फूल का गूथ कर किसी की राजे के यहाँ देती हूँ। उसी फूल से दिन रात कमा के मैं खाती हूँ बाबू। इसी फूल से तुम्हारा इतने फूल के बेचती है और अपना पेट का पोसती है। हाँ बाबू, ठीक है। द्वारपाल, इसमें द्वारपाल हम लोग को साथ नहीं आया, आ तो और कुछ बात निकलता है। भाई देवा, अब एक काम करो, हम लोग का पास समय नहीं है, अब हम लोग इसी जगह से हम लोग राजगढ़ काबू में चलो। हे बाबू, माता सिवरी जिस भगवान ला राम लक्ष्मण ला में जोले थे आसरा, उसी प्रकार से मैं आज मैं जोती हूँ। मेरे लिए राम भगवान है भगवान। मालिन, तुम्हें कहना है कि माँ सेवरी हाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए ए जिंदगी बिता दी, जिंदगी बिताते बिताते माता सेवरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास करके रहे। उसी तरह से आज इस वन में तुम लोग को मेरा राजाओं को देख करके मैं धन्य हो गई। आप कहने के लिए क्या चाहते हैं? प्रभु, कहने के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ, सुनी मैं सुना रही हूँ। बाबू सुनला हमर दिलावा के जी बाते करला भोजन मा बाबू, आज हमर कुटिया में आज करला हाजी टूटली झोपड़ी में कारी के भोजन मा लौटी है अपन महालिया के ओरे।
करला भोजन माजी बाबू बालू इस मालिक को पास कम से कम आइए द्वार पर हमारी फुलबारी में आइए तो चल के रे हमारे घर में कम से कम पधार ली जान कर लीजिए बाबू भाई देवा इसमें इसे भी दिल का जो श्रद्धा है वो हम लोग पूरा करके छोड़ो इसे कहना है कि महाराज हमारे फुलबारी में आए हैं तो हमें दिल आनंद है इसमें हमारे कुटिया में चलिए कुछ अन्न दल कर करके आगे की ओर बढ़िएगा ठीक है इसी में बात पूरा कर देता हूँ एक काम करो चलो तुम्हारे कुटिया में चलता हूँ अन्न खाने का तो समय नहीं है लेकिन एक गिलास पानी पी करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे चलो Thank you.
दीवान जी, आप लोगों का ही सामने यह नाटक दर्शाया गया था मोरंगढ़ की लड़ाई, लेकिन अभी अभी लोगों ने देख रहे थे राज महाव्या कोई कहानी। अब इसी जगह से चले राज ए मोरंगढ़ का कहानी। बेटा मकरंद, पिताजी, यह राज मोरंग है और राज मोरंग को राज बंगले पे नित्य दिन परम पिता परमेश्वर का भजन होता है। अच्छा, जब तक परम पिता परमेश्वर को भजन नहीं होता है तो राज मोरंग गूंज नहीं पाता है। पिताजी, कहा गया है कि राम नाम में आलस्य, राम नाम में आलस्य और भोजन में होशियार। कह गए तुलसीदास जी जला में छात्र राजपूतों को बंगला पर जब तक राम को नाम नहीं होता है, जब तक राज कचहरी को द्वारपाल। यह राज मोरंग राज बंगले पे जी हो दो, हम लोग सभी बाप पुत्र मिलकर ए प्रभु का नाम लेने के लिए जा रहे हैं, तुम शामिल हो ना? जय हो जो, मैं उसमें शामिल हूं। शामिल रहेगा? जय हो जो। ठीक है बहादुर। सुमरण मनाइयो बेटा, आज ही ब्रह्मा विदन कर, आज सुमरण मनाइयो बेटा, आज ही ब्रह्मा विदन कर, आज मैया का बड़ा पिताजी, सुमरन किया ब्रह्मा विष्णु जी के माता खपर वाली बनाओ। सही बात है। तेलू का कैसा सुरन बुझा रहा है? बहुत अच्छा पिताजी। ये लोग भी राज बांगले पर सुमरन कर लेता तो बहुत की बात होता। ठीक है पिताजी, ये राज बंगले पर हम लोग भी भगवान के भजन कर लेते हैं। कर लीजिए। पिताजी सुनला
आज देवी दुर्गा के देवी दुर्गा के आज बनले दहीना मैया रहतन जी सहाय आज सुमरण करला क्या देवी दुर्गा को पाने दहिना रहते हैं सहाय। बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। मैं भी भगवान को भजन, तुम भी कर लोगे? हाँ पिताजी। बहुत सुंदर। आज भूल लगा